सीआरपीएफ का जवान धर्मेंद्र सिंह ने दिया अपना सर्वोच्च बलिदान। उड़ीसा के नवपाड़ा जंगल में नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद। खबर रोहतास जिला के काराकाट प्रखंड क्षेत्र से है। रोहतास जिला के दनवार पंचायत के सरैया गांव के रहने वाला सीआरपीएफ का कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार सिंह उड़ीसा में नक्सलियों से लोहा लेते शहीद हो गया, जिसके बाद उसके गाँव में मातम है। किसान पिता रामायण सिंह का बड़ा पुत्र धर्मेंद्र कुमार सिंह वर्ष 2011 में सीआरपीएफ में भर्ती हुआ था, जिसकी पहली पोस्टिंग मुकवामा में हुई थी, लेकिन उड़ीसा के नवपुरा जिले के पद्धारा क्षेत्र में नक्सलियों से लोहा लेते शहीद हो गए। बता दें कि इस दौरान दो अन्य सीआरपीएफ के जवान भी शहीद हुए हैं। धर्मेंद्र कुमार सिंह के शहीद होने की सूचना मिलते ही उनके गाँव दनवार के सरैया में मातम फैल गया है। उनके जानने तथा चाहने वाले लोगों की भीड़ शहीद जवान के घर पर इकट्ठा हो गई है। मृतक का एक छोटा भाई के अलावा उनके किसान पिता तथा माता बेहाल हैं। साथ ही दिवंगत जवान की पत्नी आशा देवी बदहवास हैं। उनका 12 साल का पुत्र रोशन 8वीं क्लास में पढ़ता है, जबकि 10 साल की बेटी खुशी अपने पिता के शहीद होने से पूरी तरह से मर्माहत है। बता दें कि सीआरपीएफ के अधिकारियों ने देर रात ही फोन पर परिजनों को इस सर्वोच्च बलिदान की सूचना दे दी थी। सूचना मिलते ही परिवार में मानों को हराम मच गया। उधर पत्नी आशा देवी का रो रो कर बुरा हाल है। वह चिंतित है कि उनके दो बच्चों का अब क्या होगा। पूरे परिवार का जवान धर्मेंद्र ही सहारा था। बुजुर्ग माता पिता से लेकर पूरा परिवार का भी ख्याल रखते थे। आशा देवी की आंखों का आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जब से उसके पति के शहीद होने की सूचना मिली है वह पूरी तरह से सन्न है। बता दें कि धर्मेंद्र की शादी वर्ष 2005 में भोजपुर जिला के पीरो थाना अंतर्गत रजमहल डी गांव में हुई थी। मजे बात भाई रे दादा क्या बोल रहे थे? कहता नहीं सर समाचार पूछने की टीम दे जाता नहीं रे रहनी कहा लेकिन नाश्ता उसने कॉलेज तो बात नहीं बैठल में नाश्ता ये करे खाती हो रात किया कल आपको दिन में बात हुआ था उसे 9 बजे दिन में हुआ भाई दादा कुछ कॉल आई हो और कुछ कॉल ना तर तवारा है बाबू तेला उसके बाद बात नहीं हुआ फिर ना ओकरे बाद कब पता चला आप लोगों को शाम को कब पता चला कब चलो वो कौन हमारा 4 बजे को हरिया मिलल होता फोन बुझे घर ही से फोनवा हमारा बिया गोइल हो दादा 4 बजे हमारा तो कब गोइल कि हम 4 बजे लौटम तो फोनवा करम रे रानी।